आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मंत्रों का क्या महत्व होता है, कैसे आप मंत्रों से लाभ उठा सकते हैं। पंडित जी, मंत्र जो लोग जाप करते हैं तो ये उनको अगर ये समझना हो तो ये मंत्र कैसे काम करते हैं, कैसे इनका प्रभाव दिखाई देता है। प्रवीण जी, कोई सामान्य व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, हमने उसको अपशब्द बोल दिया, वो झगड़ा करने को तैयार हो जाएगा। सोचिए, जब अपशब्द के शब्दों में इतनी ताकत है कि वो झगड़ा लड़ाई करवा सकते हैं, तो जो मंत्र सोच समझ के बड़े हिसाब से बनाए गए हैं वो कितने शक्तिशाली होंगे। मंत्र होते क्या हैं ये तो आपने समझ लिया, अब मंत्र काम कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या है, मंत्रों का साइंस क्या है। देखिए, दुनिया के जितने भी शब्द हैं, हर शब्द के अंदर एक रंग होता है और एक तरंग होती है, हर शब्द के अंदर, हर अक्षर के अंदर। इसी प्रकार से हर व्यक्ति की भी रंग और तरंग होती है। जब ये शब्द, जब ये अक्षर सही तरीके से व्यक्ति के रंग से और तरंग से मेल खा जाते हैं तो ये काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लिया आप जल तत्व के आदमी हैं और आपने जल तत्व का मंत्र पढ़ना शुरू किया तो वो आपके शरीर के साथ एडजस्ट हो जाएगा, और जब आपके शरीर के साथ एडजस्ट हो जाएगा तो वो काम करना भी शुरू कर देगा। जब आप मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र सबसे पहले आपके शरीर पर असर डालता है, फिर आपके मन पर असर डालता है, और फिर आपकी आत्मा पर असर डालता है। आपके शरीर में 7 चक्र मौजूद हैं, मानसिक चक्र हैं ये, और मंत्र जो हैं इन्हीं मानसिक चक्रों के माध्यम से काम करते हैं। जैसे मान लिया आप र अक्षर का मंत्र पढ़ रहे हैं, जैसे आप राम शब्द का जप कर रहे हैं, राम नाम का जप कर रहे हैं, तो र अक्षर है मणिपुर चक्र का, तो ये मणिपुर चक्र को ताकत देगा, मणिपुर चक्र को ऊर्जा देगा और वहां से शरीर में एनर्जी लेवल मजबूत हो जाएगा। यानी अलग अलग चक्रों के माध्यम से भी मंत्र का जप किया जाता है, और जब आप मंत्र का जप करते हैं तो जिस चक्र का मंत्र होता है उसी चक्र पर वो मंत्र काम करना शुरू कर देता है। तो जो मंत्र हैं वो मन पर, आत्मा पर, शरीर पर और शरीर के चक्रों पर काम करते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।